वेलकम बैक टू द वीडियो। और फेसबुक पे नाम चेंज करना बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन हमें मिलता कहाँ है, क्योंकि जो लोग टैक्स सेवी नहीं है, जिन्हें फेसबुक बहुत अच्छे से चलाने नहीं आता, फोन में दिक्कत है, मतलब जिन्हें ये पता है कि भाई फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, चल जाता आसान से। अब पता तो है भाई चलाना कैसे, बट उसे नाम को चेंज करना है। अब चेंज करना है कैसे वो बता देता हूँ। देखो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मेरे साथ स्टेप फॉलो कर लेना, मेरी वीडियो किसी और फोन में चला लो, एंड उसके बाद जो भी आपको स्टेप फॉलो करने हैं वो आप वहां से देख के कर लेना, राइट। फोन की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, मोबाइल फोन की स्क्रीन पे है ऑलरेडी, फेसबुक पे चले जाते हैं। अब देखो जिन लोगों ने फेसबुक अपना अपडेट नहीं कर रखा है उन्हें तो ऑप्शन पुराना ही मिलेगा, कोई पर्सनल डिटेल्स में जाके एक ऑप्शन दिखता था वो, लेकिन जो लोगों ने अपडेट कर लिया है, वैसे तो मोस्टली लोगों ने 99% लोगों का अपडेट हो चुका है फेसबुक ऑटोमेटिकली। ओके देखो अब जब होम पेज पे आएंगे हम, इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब हमें इसे ही चेंज करना है ना, तो राइट टॉप कॉर्नर ये राइट सॉरी बॉटम में जो हमें ये ऑप्शन दिख रहा है ना थ्री डॉट, इस पर टैप करेंगे एंड यहाँ से स्विच कर लेंगे जिसका भी करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे जितनी भी प्रोफाइल है वो सारी प्रोफाइल दिख जाएंगी। अभी राज चौधरी दिख रहा है ना आपको, वैसे मैंने कुछ ही दिन पहले किया था, लेकिन हो सकता है कि अब चेंज ना हो, बट हो जाएगा, डोंट वरी, मैं कर दूंगा। ओके तो यहाँ पे ये अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो दिख जाएंगी, स्विच कर लेना जिसका भी करना है। ओके अब क्या करना है, यहाँ पे स्विच कर लिया है ऑलरेडी, यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये रहा अकाउंट सेटिंग, ये रहा सेटिंग एंड प्राइवेसी का, इस पर टैप करो। अब यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करना है। अब यहाँ पे पहले नीचे एक ऑप्शन दिखता था पर्सनल डिटेल्स का, है ना, योर इन्फॉर्मेशन में एक्सेस योर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता था। अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किया है तो मैं उन लोगों को बता दूँ जिन्होंने अपडेट नहीं किया है, उन्हें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट ऑनरशिप एंड पर्सनल डिटेल, तो वहाँ से जाके चेंज कर लेना। बट जिन लोगों ने अपडेट कर लिया है उनका मैं बता रहा हूँ, हल्का सा स्क्रॉल डाउन करो नीचे, अकाउंट सेंटर का ऑप्शन दिख रहा है। अकाउंट सेंटर ही तो आया अब नया, तो इसमें है सब कुछ, इस पर टैप करेंगे। बट यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इसलिए आई होप आप मेरे साथ स्टेप फॉलो कर रहे होगे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो वो लोग बोलेंगे कि भाई पर्सनल डिटेल ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे जाओ एंड यहाँ से चेंज कर लो। अरे भाई चेंज तो तब करेंगे ना जब यहाँ पे ऑप्शन देखोगे, पर्सनल डिटेल में ऑप्शन नहीं दे रखा, जब ऑप्शन ही नहीं दे रखा आइडेंटिटी कन्फर्मेशन पे भी जाते तो यहाँ पे भी हमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम यहीं पे टैप करेंगे, अब देखना कहाँ ऑप्शन दे रखा है, वो सिलेक्ट करवाएगा प्रोफाइल, इस प्रोफाइल में से सिलेक्ट कर लेना आपको किसका चेंज करना है, इंस्टाग्राम का करना है या फिर फेसबुक का करना है। अकाउंट ऑनरशिप आया ही इसलिए कि हम दोनों मेटा की जितनी चीज़ें उन्हें एक ही जगह से मैनेज कर सकें, अकाउंट सेंटर है, इंस्टाग्राम भी यहीं से मैनेज हो जाएगा, इंस्टाग्राम का नाम भी यहाँ से चेंज हो जाएगा, डिलीट भी यहाँ से हो जाएगा सब कुछ, फेसबुक का नाम चेंज हो जाएगा, फेसबुक का पासवर्ड चेंज हो जाएगा, फेसबुक डिलीट भी यहीं से हो जाएगा। हमें किसका करना है, हमें फेसबुक का करना है, फेसबुक पे टैप करेंगे, ये आ गया, नाम चेंज करना है, नाम पे टैप करेंगे। अब वो बोलेगा इफ़ यू चेंज योर नेम यू कैन चेंज इट अगेन 60 डेज, मतलब अगर आप आज नाम चेंज करते हो तो अगले 60 दिन में आप अपना नाम नहीं चेंज कर पाओगे, राइट। तो हमें यहाँ से नाम चेंज करना है, बट आप मैनेज अदर नेम करके यहाँ पे आप अपना निकनेम रख सकते हो, निकनेम, अगर आपका नाम चेंज नहीं हो रहा है तो आप अपना निकनेम रख लेना, तो आपके नाम के साथ ब्रैकेट में आपका निकनेम भी आ जाएगा, तो वो आप कर सकते हो। बाकी अब हमें नाम चेंज करना है यहाँ से, तो जैसे मैंने कर रखा है राज चौधरी, तो मैं इसको चौधरी राज करके देख लेता हूँ, है ना, CHOUDHA, मैं आपको दिखा दूंगा चेंज करके भी, चौधरी राज कर लेते हैं। ओके कर लिया, अब हम यहाँ से इसे डन करेंगे। अदर नेम आर ऑलवेज पब्लिक एंड हेल्प पीपल टू फाइंड यू, मतलब जो आपका निक नेम होगा वो भी पब्लिक रहेगा, लोग उससे भी आपको पहचान सकते हैं, तो इसे चेंज करके देख लेते हैं। वैसे तो मैंने कुछ टाइम पहले किया था चेंज, बट अब हो जाएगा कि नहीं, वो कह रहा है कि प्रीवियस नेम चूज हाउ नेम विल अपियर ऑन योर प्रोफाइल, चौधरी राज मेरा मतलब ऐसे दिखेगा या राज चौधरी, पहले ऐसे दिखता था अब ऐसे दिखाना है मुझे चौधरी राज की तरह। सेव चेंज करके देख लेता हूँ, ओके, क्योंकि मैंने वह ऑलरेडी 60 दिन पहले किया था कुछ टाइम पहले, बट नेम अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया है, चौधरी राज यहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको प्रोफाइल पे भी ले जाके दिखा दूंगा रिफ्रेश करके। ओके थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे लाने में नाम को। ओके अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपनी प्रोफाइल पे, जैसे अभी भी राज चौधरी आ रहा है, ओके चौधरी राज आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेट्स सी, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ बंद करके। ओके यहाँ पे टैप करेंगे, सॉरी मैंने इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चलाने आदत हो रखी ना इंस्टाग्राम चलाने की, अभी भी चौधरी राज आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में हो सकता है ये अपडेट हो जाए, स्टिल लेट मी, मैंने चौधरी राज ही चेंज किया था ना, ओके वापस से चेक कर लेता हूँ एक बार, अरे फिर इंस्टाग्राम चला दिया, तो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा यहाँ पे,
कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी भी राज चौधरी आ रहा है, लेकिन एडिट प्रोफाइल पे टैप करके देख लेते हैं। ओके, बट ये हो जाता है यूजुअली, टेक्स टाइम। ओके, हमने फिर रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, बट मतलब प्रोसेस तो वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ी देर बाद ही अपने आप अपडेट हो जाएगा। वैसे मैंने कई बार कर लिया है एंड ये होता है यूजुअली, लगता है 5 मिनट अपडेट होने में प्रोफाइल, है ना, क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं इस चीज़ को। तो इस तरह से आप नाम चेंज कर सकते हो, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, बट मैं वापस से एक बार चेंज करके देख लेता हूँ यहाँ पे, मतलब चेक करके कि हुआ है कि नहीं हुआ है। यूजुअली लेता है, मेरे साथ लास्ट टाइम भी हुआ है, 5 मिनट वो उसे लगते ही अपडेट होने में नाम को। ओके, अभी भी नहीं हुआ है बट हो जाएगा। बट आपका अगर आपने कभी चेंज ही नहीं किया, आपको अब करना है, तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। यही प्रोसेस है, अकाउंट सेंटर में जाके आप चेंज कर लेना। इंस्टाग्राम का करना इंस्टाग्राम का हो जाएगा, फेसबुक का करना फेसबुक का हो जाएगा। एंड आई होप आपने प्रोसेस फॉलो करके अपना नाम चेंज कर लिया होगा। अब आपने अपना नाम क्या से क्या रखा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, बाकी आपने कितना ज्यादा यूनिक नाम रखा है वो बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख दो। बाकी वीडियो पसंद आइए लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और मेरे लिए मोटिवेशन है और ज्यादा ना अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।